राष्ट्रीय झंडे का हम अब तक यही लेते थे कि जब ओलंपिक होते हैं तब हमारा झंडा लहराया जाता है तो हम समझते हैं, या नेशनल एंथम होता है तब झंडे के वो समझते हैं। एक हमारा नेशनल यूनिटी का प्रतीक है और इससे हमारी बड़ी इज्जत बनती है, लोगों में अपने देश के प्रति एक जागरूकता आती है, उसके प्रति एक समर्पण भाव आता है। ये बड़ा अच्छा मोदी जी का है कि उन्होंने इसे इस तरीके से लॉन्च करा है। हरियाणा में 60 लाख मेरे ख्याल में हम झंडे लगाएंगे 13 से 15 अगस्त के बीच में। अभी सिर्फ समय 1 लाख झंडे आ गए, अब से लगने शुरू हो गए। हमने कुछ जेलों में भी ऑर्डर करे हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने दिए हैं और हमने कहा कि भाई दिल्ली से क्यों लेके आते, यहाँ सस्ती बन जाएगी, हमारे कैदी खाली है तो वो बना रहे। मेरे ख्याल में वो 25,000 सिरसा जेल में ऑर्डर आया है, 25,000 का हिसार में है, 25,000 का रोहतक में है, बाकी जहाँ जहाँ ऐसे ऑर्डर आएंगे बना के देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बना के दे रहे हैं तो सस्ता झंडा बनेगा। 20x30 के झंडे जेलों में भी बन रहे हैं, कैदी बना रहे हैं सर झंडे से, कैदी बना रहे हैं, हमारे कैदी बेकरी भी बनाते हैं, हमारे जेलों में मिठाइयाँ भी बनती है, हमारे फर्नीचर का सामान भी बनता है, कैदियों का मनोरंजन रहता है, अपने काम पर लगे रहते हैं। एक उन्हें उससे उन्हें काम की एक आदत बन जाती है, काम सीख के बाहर आएंगे अपना काम करेंगे, रोजी रोटी कमाने का साधन हो जाएगा। अब वो पार्टियाँ आज चली गई, कहीं भी नहीं है, ना स्वतंत्र पार्टी है, ना आपका सोशलिस्ट पार्टी है, ना प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट है, वो भी लुप्त हो गए। ऐसे ही अब कांग्रेस का एक जाने का समय आ गया, कांग्रेस भी अब एक बीता हुआ इतिहास हो गया, कांग्रेस पार्टी खत्म है। अब कहीं कोई इक्का दुक्का ऑफिस भी डर बैठा है, वो बोलते रहते हैं, उनके पीछे भीड़ नहीं है, उनके कोई सुनने वाला नहीं, जैसे शैलजा थी, अशोक तंवर थे, ऐसे ऐसे लोगों की पार्टी बन गई जिनका कोई जनाधार नहीं है। देखिए अगर 10 वर्कर भी निकलते हैं तो पार्टी को नुकसान होता है, जब इतने आदमी निकले हैं तो नुकसान ज़रूर होगा। देखिए उनका अपना कुछ एरिया में उनका अपना प्रभाव है, एक बार उनके 6 MLA भी बन के आए थे, वो बजला जी के बेटे हैं, असर तो आएगा। आईएनएलडी की तरफ से सर बुढ़ापा पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, 5 तारीख को प्रस्तावित है, पूरे प्रदेश भर में वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हम करेंगे, बुढ़ापा पेंशन में कटौती की गई है, इस तरह की बात है। देखिए आईएनएलडी का भी मामला कोई ज़्यादा रहा नहीं, कोई पेंशन पे कहीं, मैं तो पिछले 2.5 साल में सुना ही नहीं कि आईएनएलडी कहीं है। अब क्या प्रोटेस्ट करते हैं क्या करते हैं, मैं इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं समझता। विकास की बड़ी बात एक है, मैं बहुत चीज़ें नहीं बताते, थोड़े से मैं बताऊं कि 20 गांव में एक घग्गर का पानी जा रहा है, जहाँ जब वो नहरें खुदती थी तो ये कहते थे कि इसे हमें बूरने का काम, इसे मिट्टी भरने का काम हमें करना पड़ेगा, इनमें कभी पानी आ गया तो मैं समझो कि तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, पानी नहीं आएगा, उनमें पानी चल रहा है, आप देख रहे हैं घग्गर का पानी बहुत आजकल कोई मतलब वो सबसे बढ़िया पानी है जो फर्टाइल पानी है, 20 गांवों की लाइफ बदल गई। आपका रानिया कहता है ओटू हेड पे 14.5 करोड़ का एक ही प्रोजेक्ट हो रहा है, खारिया गांव में इसमें रानिया में 8 करोड़ का मल्टीपर्पज़ हाल बन रहा है, और सरसा से लेके रानिया, रानिया से जीवनगर, जीवनगर से डबुआली, जो रोड 23 फुट चौड़ी होती थी वो 33 फुट चौड़ी बनने जा रही है। सारे जितने नहरें थी, जो सदैवा मान्य थी, आपका मम्मड़ ब्रांच थी, जो इसमें से बनी ब्रांच थी, सारी जो नहरें उनको पक्की सारी पहरे हैं, सारे जो खाड़ 30 साल से टूटे पड़े थे, जो कभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सका, जो 20 साल पुराने जो खाड़ हैं उनके सबका रिमॉडलिंग हो रही है, कितने ये आपके ट्यूबवेल पंप लग रहे हैं, टोटल हरियाणा में 6407 गाँव हैं, 6307 गाँव हैं, जिनमें 56 ऑन रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के हिसाब से, जिनमें 5622 गांव में बिजली 24 घंटे हो रही है। चुटाला गांव में बिजली थी नहीं, चुटाला गांव में बिजली घर बन गए 24 घंटे। उसे कहो ना जो विपक्ष के आदमी ये आंदोलन कर रहे हैं, कहते हैं देखे से 24 घंटे लाइट रहती है, उन नहरों में जाके देखे पानी कितना चल रहा है, जिसमें कहते थे आंसू निकाल लेना पानी नहीं आएगा। सारा विकास का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कराया, मैं हल्के का MLA कराया हूँ, हर महीने में मेरी हर गांव में महीने में 10 हाजिरी मेरी होती है, हर हफ्ते के हफ्ते इस रेस्ट हाउस में आता हूँ। पहले लोगों ने ये सीन नहीं देखा था, धमका के भगा देते थे, कोई उन्हें सुनता ही नहीं था, सबको सुनता हूँ, काम करता हूँ। Gracias.
बता दे भी भाई को फोन आ आज फोन पर कर दे आज आज का क्या आगू पर कर दे यस सर।